सीटीएस के प्रिपरेशन के लिए हम रीजनिंग पढ़ेंगे, उसमें हमारा पहला टॉपिक है सीरीज टेस्ट। सीआईटीएस के एग्जाम में 75 क्वेश्चन हमारा जो सिलेबस है उससे आता है और 25 क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का आता है। जैसे तुम्हारा ट्रेड है फैशन, तो तुम्हारा 75 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन फैशन से आएगा तुम्हारे ट्रेड से, जो तुम्हारा ट्रेड है, और 25 क्वेश्चन रीजनिंग से जाएगा। ठीक है, तो उसमें हमारा आज पहला टॉपिक है सीरीज टेस्ट। तो हम देखेंगे कि सीरीज टेस्ट क्या होता है। हमारा पहला क्वेश्चन है 5, 9, 14, 20, 27। अब इसी के क्रम में अगला क्या नंबर होगा उसको हमको देखना है। तो हम कैसे निकालते हैं इसको देखने के लिए, हम क्या करते हैं आगे और इसके बीच में संबंध क्या है उसको देखते हैं, इसके बीच संबंध कैसा है उसको देखते हैं, फिर इसके बीच और इसके बीच क्या संबंध है। तो ये 5 के बाद 9 कैसे आया है, 5 के बाद 9 कैसे आया, क्या किए हो, गुणा हो सकता है। तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9। ठीक है, फिर 9 में कितना जोड़ेंगे तो 14 होगा। ठीक है, और फिर 14 में कितना जोड़ेंगे तो 20 होगा 6। फिर 20 में कितना जोड़ेंगे तो 27 होगा 7। अब कैसे ये बढ़ रहा है, एक एक बढ़ता जा रहा है। कैसे, यहाँ 4 था, 5 हुआ, 6 हो गया और 7 हो गया। ठीक है, 7+8 कितना होगा, इसका आंसर क्या होगा 35। तो हमको मल्टीप्लाई भी हो सकता है, यहाँ 2 की जगह 10 हो सकता है 9 की जगह, तो क्या हो जाए इसका दूना हो गया, 10 की जगह यहाँ 20 हो सकता है। तो हमको कैसे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमको जो लिखा होता है नंबरिंग जो लिखी होती है उसको अगले वाले के बीच में रिलेशन देखते हैं कि हमारा कैसे रिलेशन बनाया है। माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये दूना 3 गुना भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी को देख के हम करते हैं। अब नंबर उसमें क्या है रिलेशन नंबर के बीच में। अगला क्वेश्चन है 30, 28, 23 और 21। अब इनके बीच में हम रिलेशन देखेंगे कैसा है। इसमें क्या है 30 से 28 कैसा है, जैसे हम बोले ना यहाँ प्लस हुआ तो यहाँ क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, इसमें 2 माइनस हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ 28 के बाद 23 है, कितना माइनस करेंगे 23 आएगा 5। उसके बाद 23 के बाद 21 है, कितना माइनस करेंगे 20, यानी लग रहा है ये रिपीट हो रहा है, यहाँ रिपीट हुआ है ना रिपीट, रिपीट नहीं होता तो हम रिलेशन देखते हैं, लेकिन रिपीट हो रहा है तो 2 यहाँ रिपीट हुआ, तो मतलब 5 भी रिपीट होगा। ये क्यों 5 थी, क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस है, फिर 5 माइनस है, फिर 2 माइनस है, इसका मतलब ये 5 भी रिपीट होगा। रीजनिंग का मतलब होता है कि आप तर्क शक्ति 240, 120, 60 और 30। अब हमको देखना है कि इस सीरीज में हमारा रिलेशन क्या है एक दूसरे से, इन सबों के बीच में वही यहाँ पे नंबर आएगा। फर्स्ट नंबर क्या है 240, उसके बाद क्या है 120। अब 240 के बाद 120 कैसे आया, आधा कर दिया उसका। अब देखेंगे कि 120 के बाद क्या है, 120 के बाद क्या है 60 है, ये कैसे आया, इसका भी आधा कर दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं 60 है, अब ये देखते हैं उसके बाद क्या आया, आधा कर दिया तो क्या आ गया 30। अब सबके बीच में क्या रिलेशन है कि ये हाफ हो गया, जो नंबर दिया गया है वो आगे जाके हाफ होता जा गया है। जैसे 240 है, इसका आधा 120 होगा, 120 का आधा 60 होगा, 60 का आधा 30 होगा। अब इसका हाफ कित करेंगे तो कितना होगा, बोलो भाई। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, आंसर क्या है हमारा 5, 9, 17, 29, 45 और 65। अब हमको देखना है कि इसके अगला वाला नंबर क्या आएगा। अब ये कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, सेम प्रोसेस है जो अगले क्वेश्चन में हम किए थे कि हमको क्या देखना है इसके और इसके बीच में जो हमारा नेक्स्ट नंबर होता है उसका फर्स्ट नंबर से क्या रिलेशन होता है वही देखते हैं, उसी से हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। तो 5 के बाद 9 कैसे आएगा 4 प्लस करेंगे। ठीक है, 9 के बाद 17 कैसे आएगा 8 प्लस करेंगे। 17 के बाद 29 कैसे आएगा 12 ऐड करेंगे। 29 के बाद 49 कैसे आएगा, बोलो 16 ऐड करेंगे। उसके बाद ये 45 के बाद 65 कैसे आएगा 20 ऐड करेंगे। तो ये हो गया हमारा 4, 8, 12, 16 और 20। ये कैसे आया है, अब ये देखो ये भी सेम नहीं है। अब इसके बीच में भी रिलेशन देखेंगे कि कैसे क्या हुआ, ये थोड़ा उन सबसे टफ है, फर्स्ट बार में नहीं सॉल्व हो रहा है। तो 4 के बाद 8 कैसे आया है, इसमें हम क्या कर दिए प्लस 4 किए हैं। 8 के बाद 12 कैसे आया, इसमें भी 8 4 12 होता है, तो इसमें भी 4 प्लस किए हैं।
उसके बाद 16 कैसे आया 12 के बाद, इसमें भी 4 प्लस किए हैं। फिर 20 कैसे आएगा 16 का, इसमें भी 4 प्लस किए। यानी हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड वाला हम देख रहे तो उस सब में हम क्या कितना प्लस कर रहे हैं 4। तो हमारा अगला क्या है 20 है, इसमें भी हम क्या करेंगे 4 प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 24। यानी 65 क्योंकि से हम अगर 24 प्लस करेंगे तो हमको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे 65 प्लस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 89। यानी हमारा नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 89। ठीक है, अब देखो कैसे निकलेगा। अब 89 से माइनस 65 करो कितना आ रहा है 24 हो गया ना। यहाँ पे भी 4 प्लस है, यहाँ पे भी इसमें 4 प्लस किया, फिर ये 8 में 4 प्लस किया तो 12 आया, 12 में 4 प्लस किया तो 16 आया, इसमें 4 प्लस किया तो 20 आया, इसमें 4 प्लस किया तो 24 आया। तो आंसर है।